दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जडेजा की दमदार बल्लेबाजी के फैन बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के सभी दिग्गज, और एक एक कर हर किसी ने जड्डू के लिए अब कुछ ऐसा कहा ना। मैक्सवेल से लेकर प्रेटली से लेकर दोस्तों पैट कमिंस ने क्या कुछ कह दिया है अब जडेजा पर, एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रविंद्र जडेजा हार्दिक पांड्या में एक बेहतर ऑलराउंडर आपकी नजरों में कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच का फैसला तो बहुत ही जल्द आ जाएगा, लेकिन भारत की जीत इसमें कंफर्म मानी जा रही है, क्योंकि दूसरे दिन के खेल में जड्डू ने ऐसा प्रदर्शन जो कर दिखाया। 3 विकेट लेने वाले पहली इनिंग में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के बाद ना बल्लेबाजी में भी दमदार साबित हुए। 240 पर हमने इंग्लैंड की टीम को निपटा दिया था दोस्तों, और उसके बाद जब मौका मिला तो बल्लेबाजों ने भी अपना अपना हाथ साफ किया, जिसमें 3 नाम सबसे आगे आए। यशस्वी जायसवाल जो 80 रन की धाकड़ पारी खेलकर गए, उसके बाद KL राहुल को मौका मिला तो उन्होंने भी 86 रन जड़ दिए, लेकिन सबसे अच्छी पारी एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग खेल के गए रविंद्र जडेजा। दोस्तों, जडेजा ने सभी खिलाड़ियों के साथ पार्टनरशिप करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उन्हें साथ मिला अक्षर पटेल का, कहने को तो उनके साथ श्रीकर भरत भी 40 से ज्यादा रन लगाकर गए। रविचंद्र अश्विन का लक उनके साथ नहीं रहा, वो 1 रन पर रन आउट हो गए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने अंतिम ओवर तक लड़ते हुए 155 गेंदों में 7 चौके 2 छक्के जड़कर पूरे 81 रन की पारी खेली, और वो अभी भी नाबाद है। और इसी पारी के दम पर भारत का स्कोर ना 421 पहुंच गया है इंग्लैंड की टीम के 246 के जवाब में। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ऑलरेडी 175 रन से आगे चल रही है। इनफैक्ट अक्षर पटेल भी 35 रन की नाबाद पारी खेलकर गए, लेकिन जडेजा का परफॉर्मेंस वाकई में दिल जीतने वाला है। दोस्तों, अभी तक तो कुछ खिलाड़ी T20 के फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे, तो वहीं कुछ इस मिजाज से खेलते नजर आ रहे थे कि उन्हें इस मैच की परवाह ही नहीं। लेकिन दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने इस टेस्ट पारी से ना सिर्फ भारत की कमी को पूरा किया, बल्कि जीत पर फाइनल मोहर लगा दी है। दोस्तों, जड्डू की पारी और गेंदबाजी इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बड़े बड़े उनके फैन बन गए। अब किसने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल ने रविंद्र जडेजा पर खास तौर पर कहा, रविंद्र जडेजा आप तो मेरी नजरों में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर ऑलराउंडर हैं और हमेशा रहेंगे भी। मैं खुद एक ऑलराउंडर हूं, लेकिन आज तक आपसे सीख रहा हूं। ऐसी परफॉर्मेंस वाकई में लाजवाब खिलाड़ी दे सकता है जिसके पास अद्भुत अनुभव हो, और आपके पास तो सारी ही खूबियां हैं, बस आप ऐसे ही अच्छे से प्रदर्शन करते रहिएगा। तो वही दोस्तों पॉन्टिंग ने भी कहा, टेस्ट मैच में T20 वनडे की तरह कोई भी खेल सकता है आगे, और 10-12 गेंदों में जा भी सकता है, लेकिन टेस्ट का असली खिलाड़ी और ऑलराउंडर वही होता है जो ज्यादा गेंदे खेले, भरपूर रन बनाए और विकेट्स भी निकाले। ये सब तो रविंद्र जडेजा इस मैच में कर चुके हैं। वाकई में आप अद्भुत हैं, आप बेमिसाल हैं, बस ऐसे ही अच्छे स्वस्थ होकर प्रदर्शन करते रहिएगा। तो वही दोस्तों डेविड वॉर्नर तक ने कहा, रविंद्र जडेजा आप कमाल हैं, बेमिसाल हैं, आप जैसा ऑलराउंडर ना तो इस सदी में होगा और ना ही आगे कभी। भारतीय क्रिकेट टीम में जब तक आप रहेंगे ना, तो हर एक फॉर्मेट में उन्हें हराने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, आपको सर जडेजा या दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर कहा जाता है। आज आपने साबित कर दिया आपकी पारी बहुत अच्छी थी। वहीं दोस्तों स्टीव स्मिथ से लेकर पैट कमिंस ने भी कहा, रविंद्र जडेजा आपकी बल्लेबाजी तो ऐसी थी कि मानो हजारों युवा इससे पता नहीं कितना कुछ सीख सकते हैं। विकेट्स गिरते रहे, लेकिन आप खड़े रहे। T20 वाली फॉर्म नहीं अपनाई, ना ही शतक के लिए इतनी ज्यादा उतावलापन। आपने धैर्य से बल्लेबाजी करी जिसके बल पर भारत जीता है। आपको ऐसी पारी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दिग्गज बिना जड्डू के फैन बन गए हैं वैसे। दोस्तों, दूसरे दिन के खेल में जाते जाते रविंद्र जडेजा का ऐसा शो दिखा कि इंग्लैंड की टीम ने उनके आगे घुटने टेक ही दिए। दोस्तों, कैसे आखिरकार पुराना हिसाब चुकता करते हुए एक बार फिर इंग्लैंड की टीम के आगे धावा बोल दिया जडेजा ने, और लगभग शतकीय पारी खेलकर क्या क्या रिकॉर्ड भी बनाए। उनकी बैटिंग व रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजरों में, नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के 3रे टेस्ट मैच में भारत की जीत पर अंकुश लगाने के लिए बस एक पारी का इंतजार था, वो भी जाते जाते हमें मिल ही गई। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा ये सीरीज का पहला टेस्ट मैच अपने 2रे दिन तक पहुंचा, और तब तक इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 240 पर ऑल आउट हो गई थी। यशस्वी जायसवाल 80 से ज्यादा रन लगाकर आउट हो गए थे, और बाकी खिलाड़ी भी रन बनाने को तैयार थे।
दोस्तों दूसरे दिन में मौका मिला तो केएल राहुल ने हाथ पीछे नहीं किया बल्कि आगे ही बढ़ा। 123 गेंदे खेलकर इस जाबाज ने 8 चौके 2 छक्के जड़कर 86 रन बनाए। बीच में अय्यर 35 रन बना गए, पहले गेंद 23 रन बनाकर गए थे, लेकिन जब बारी आई एक और पारी और भारतीय क्रिकेट टीम को जरूरत पड़ी तो वो ऑलराउंडर काम आ गया, जिसे दोस्तों दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ फील्डर भी कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही पहचान लिया, हम बात रविंद्र जडेजा की ही तो कर रहे हैं। दोस्तों जडेजा का साथ देने के लिए मैदान में अब श्रीकर भरत मौजूद थे और उस खिलाड़ी ने भी 41 रन बनाए, लेकिन 35 साल के जडेजा क्या कुछ कर सकते हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं जो दोस्तों शायद 25-24 साल का खिलाड़ी भी ना कर पाए, और आज उन्होंने प्रूव भी किया। अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों जडेजा ने कोई T20 पारी नहीं खेली, बल्कि एक टेस्ट के लिहाजा से पारी खेलते हुए ना 143 गेंदों के अंदर 6 चौके 2 छक्के लगाकर 51 का ही स्ट्राइक रेट बरकरार रखा। इस खिलाड़ी ने 74 रन बना दिए थे और ये 74 रन ये मत समझिएगा कि बिना बाउंड्रीज के बनाए। आपको बताए दोस्तों कि जडेजा बाउंड्री लगाने में किसी से पीछे नहीं थे। जब भी कोई आउट होता जड्डू के बल्ले से बाउंड्री निकलती और वो जवाब देते तुरंत थे। श्रीकर भरत के आउट होने के बावजूद भी दोस्तों रविचंद्र अश्विन के रनआउट होने के बावजूद भी मैदान में दोस्तों जडेजा के चौके कम नहीं हुए थे। इनफैक्ट एक ही ओवर में उन्होंने टॉम हार्टली को 2 चौके जड़ दिए थे और 65वें ओवर की दूसरी गेंद पर जड्डू ने एक 90 मीटर का छोटा छक्का भी लगाया था। दोस्तों जडेजा की यही 70 से ज्यादा रन वाली पारी ना भारत को उठाकर सीधा 400 तक ले गई और इंग्लैंड की टीम के ऊपर हमारी लीड 153 रन से भी ज्यादा की हो चुकी थी। जड्डू जो कि 75 पर थे वो शतक तो पूरा कर ही लेते, इस बात में कोई शक नहीं था दोस्तों, और वैसे भी ये पारी किसी शतक से कम थोड़ी है। आपको बताएं दोस्तों कि ये जड्डू की पारी ही है जिसके दम पर भारत 400 तक पहुंचा, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। और अब फक्र से कह सकते हैं कि हम इंग्लैंड की टीम को ना सिर्फ ऑल आउट कर देंगे वक्त से पहले, बल्कि अगर वो कुछ 10-12 रन बना भी गए ना तो खुद ही हार स्वीकार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जडेजा जो एक कीर्तिमान बड़ा बनाएंगे वो ये होगा कि 200 टेस्ट के इतिहास में भले ही इस खिलाड़ी ने 100 इनिंग 70 मैच खेल लिए हैं, लेकिन इनके शतक बहुत कम है और दोस्तों ये जडेजा के करियर का 4th शतक होगा दोस्तों अपने आप में एक भव्य रिकॉर्ड। दोस्तों जडेजा मैदान में उतरे और रिकॉर्ड ना बने ऐसा हो नहीं सकता। बीच मैदान में जडेजा ने दिखाई सभी को धोनी की याद, अपने विकेट पर लिया ऐसा रिव्यू एम्पायर्स का, पूरा इंग्लैंड भी उनके सामने हुआ नतमस्तक। तो आखिर कैसे रविंद्र जडेजा ने अपने एक फैसले से पलट दिया पूरे मैच का रुख? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया बीच मैदान में कि पूरी दुनिया को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई? उस खूबसूरत लम्हे से लेकर जडेजा के उस चालाकी भरे फैसले का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जडेजा राहुल और धोनी में कौन है सबसे ग्रेटेस्ट खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। हालांकि 2 दिनों के खेल तक भारतीय टीम इंग्लैंड पूरे तरीके से हावी थी, जहां एक तरफ राहुल खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरे दिन भारतीय टीम के 4 विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा उनका बखूबी साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। आते ही उन्होंने एक खौफनाक अप्रोच अपनी रफ्तार और टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में T20 की रफ्तार में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि इसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर हर किसी को जडेजा के गुरु महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। दरअसल आपको बता दें रविंद्र जडेजा आते ही बेहद खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, आते ही उन्होंने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और उसके बाद सीधा छक्कों से डील करने लगे। इसी दरमियान पारी का 60वां ओवर लेकर आए जैक लीच की दूसरी गेंद पर जडेजा 2 कदम आगे निकले और उस गेंद को स्टेडियम में दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट कर एक ही बेहद खौफनाक छक्का बटोरा, और ये देखकर गेंदबाज हक्का बक्का रह गया। रविंद्र जडेजा को आउट करना उनके लिए बहुत जरूरी था और तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा गलती कर बैठे। जी हां, लीच की खतरनाक गेंद जडेजा को छकाते हुए सीधा उनके पैड पे जाकर लगी, जिस पर इंग्लैंड ने जोरदार अपील की और एम्पायर की भी उंगली खड़ी रह गई। यह देखकर जडेजा से लेकर राहुल भी हैरान हो गए। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में मातम छा गया क्योंकि खतरनाक अंदाज में लग रहे जडेजा आउट हो गए। इंग्लैंड ने तो जस्ट मनाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी असली खेल तो बाकी था। रविंद्र जडेजा को खुद पर पूरा भरोसा था कि वह नॉट आउट है। उन्होंने बिना समय गवाए सीधा इस फैसले को चैलेंज करते हुए रिव्यू लेने का ऐलान कर दिया। जी हां दोस्तों, और जैसे ही यह फैसला थर्ड एम्पायर के पास जा पहुंचा, थर्ड एम्पायर ने चेक किया तो पता चला कि वह गेंद जडेजा के पैर पर लगी, वहीं दूर दूर तक विकेटों पर जाकर लगी नहीं बल्कि वह तो विकेटों के ऊपर 1 फीट से दूर जा रही थी। नतीजा क्या हुआ? अंत में थर्ड एम्पायर ने जडेजा को नॉट आउट दिया और ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ गया। और जिस अंदाज में जडेजा ने एम्पायर से लेकर इंग्लैंड खिलाड़ियों को अपने फैसले से मायूस किया, वह तो देखते ही बनता था। जैसे ही बड़े स्क्रीन पर नॉट आउट लिख रहा है, मानो पूरा स्टेडियम जडेजा के नारों से गूंज उठा। वहीं हर किसी को महेंद्र सिंह धोनी की भी याद आ गई, क्योंकि धोनी भी इसी अंदाज में अपने रिव्यू से पूरे मैच का रुख पलट दिया करते थे और जडेजा ने भी आज अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ वैसा ही कर दिखाया था, जहां जडेजा ने न केवल खुद को नॉट आउट साबित किया बल्कि अंपायर को भी गलत साबित कर दिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी एक बार फिर अपनी गलती पर पछतावा कर मायूसी भरी निगाहों से केवल उन्हें देखते रह गए। वहीं जडेजा की मुस्कान देखने लायक थी, आखिर वह धोनी के शिष्य हैं। उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वह उनके जले पर नमक छिड़कते हुए धोनी ने जडेजा ने रेहान अहमद की गेंद पर चौका लगाकर राहुल के साथ अर्धशतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था।
और टीम इंडिया को इंग्लैंड पर एक बहुत बड़ी लीड भी दिलाई। तो दोस्तों सच में जडेजा ने तो धोनी से काफी कुछ सीखा और उनके दम पर वह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन के खेल में जब फेल हो रही थी भारतीय क्रिकेट टीम, तब केएल राहुल और जडेजा ने मिलकर इंग्लैंड की टीम के पर खच्चे तोड़ा ही साथ ही ऐसी बल्लेबाजी की जिससे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन चुके हैं। आपको इनके खतरनाक बल्लेबाजी और जडेजा व राहुल के चौके छक्कों का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, जडेजा, केएल राहुल और एमएस धोनी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में सारे खेल को अपने नाम कर लिया केवल एक खिलाड़ी ने। एक खिलाड़ी जिसकी पहचान फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही बनी थी और अब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही धमाल मचा रहा है फिर से।